नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। आज दिनांक 29 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला बाराबंकी के ब्लॉक मसौली चौराहे पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष आकाश यादव की अगुवाई में पूर्व विधायक माननीय राम गोपाल रावत जी समाजवादी पार्टी झंडी दिखाकर युवा छात्र के सभी कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकाली। आइए देखते हैं राहुल कुमार की रिपोर्ट। अखिलेश यादव अरविंद सिंह को, अखिलेश यादव राम गोपाल रावत, अखिलेश यादव अरविंद सिंह को, अखिलेश यादव अरविंद सिंह को आप लोगों के लिए साइकिल दे हो। जी प्रदेश सचिव जी, आप बताइए, जो अभी जो ये साइकिल रैली हुई है जो 2022 के चुनाव को लेकर हुई, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, तो आप इस साइकिल रैली के बारे में क्या बताना चाहते हैं जनता को? समाजवादी पार्टी के छात्र संगठन समाजवादी छात्र सभा का छात्र नौजवान जागरूकता अभियान चल रहा है, इसके तहत आज तीसरा दिन है हमारा कार्यक्रम। 27 तारीख से चल रहा है तो अक्टूबर तक चलेगा। आज का कार्यक्रम जो था वोट पढ़ाओ परिवर्तन लाओ छात्र युवा जागरण साइकिल यात्रा थी, इसके तहत आज हम लोग जयपुर विधानसभा में साइकिल चला रहे थे। तो हम लोग जब साइकिल चला के यहाँ से निकले हैं तो आगे कई गांवों से होते हुए निकले, तो हमने जिला अध्यक्ष जी से पूछा, भाई ये यहाँ की जो सड़कें हैं ये कब बनी थी? तो इन्होंने बताया कि माननीय विधायक जी जब विधायक थे उस समय ये सड़कें बनी थी, आज के समय वो सड़कें बिल्कुल खस्ता हाल हो चुकी हैं, टूट फूट चुकी हैं। तो हम लोग साइकिल चलाकर लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ पे भाजपा सरकार ने विकास किया है और कहाँ नहीं किया। कहीं भी भाजपा का विकास नहीं दिखा है, भाजपा की गड्ढा सरकार में सारी सड़कें गड्ढा युक्त हो चुकी हैं। और हमारी साइकिल यात्रा का मेन कारण यही है कि 2022 में जब तक माननीय अखिलेश यादव जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लेते हैं, हम लोग सड़कों पर रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, विपक्ष में आने के बाद सर्वप्रथम समाजवादी छात्र सभा ने ही मुख्यमंत्री महोदय को काला झंडा दिखाकर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत की थी। समाजवादी छात्र सभा आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करती रहेगी, सड़कों पर दिखेगी, साइकिल चलाएगी, जब तक माननीय मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हैं अखिलेश यादव जी, तब तक ये कार्यक्रम लगातार चलते रहे। विधायक जी, 2022 के चुनाव को लेकर जो साइकिल रैली निष्कृत की, इसका क्या तात्पर्य है? हमारे नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर छः महीना पहले से हम लोग सड़क पर उतरे हैं, साइकिल चलाते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। और जब तक 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, तब तक उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता सड़क पे हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी और मोदी की सरकार आई है, तब से कड़ुआ तेल 200 रुपया किलो हो गया है, पेट्रोल डीजल के दाम तहासा बढ़ गए हैं। जिनको मोदी जी ने दिया था गैस सिलेंडर, वो आज गैस सिलेंडर भराने के लायक लोग नहीं रह गए हैं। जो सिलेंडर 450 रुपए के था वो आज 1000 रुपए में सिलेंडर बिक रहा है। जिस तरह से लूट घसोट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है, इतना कभी नहीं हुआ है। जो विकास हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के 2012 से 2017 के बीच में विकास हुआ था, उसी विकास को लेकर के चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे स्कूल हो, चाहे स्टेडियम हो, सब जगह का आदरणीय अखिलेश यादव जी का पत्थर हटा करके
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी का पत्थर लगाया जा रहा है। हम समाजवादी पार्टी के सभी लोग उसकी निंदा करते हैं और आने वाले समय में आदरणीय अखिलेश यादव 2022 में भारी बहुमत से मुख्यमंत्री बनने जी। आप छात्र सभा के प्रदेश महासचिव हैं, हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आपका इस विषय पे क्या रुझान है। हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी का छात्र सभा संगठन का एक हफ्ते का कार्यक्रम है। आज दूसरे दिन, तीसरे दिन, आज कार्यक्रम का तीसरा दिन है। आज के दिन हम लोगों ने साइकिल चलाकर पूरे विधानसभा में, हमारे जितने भी बाराबंकी के हम लोग प्रभारी हैं, बाराबंकी की 6 विधानसभा में आज साइकिल का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके द्वारा हम लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये 22 में बाइसाइकिल निश्चित है। हम लोग साइकिल चलाए, हम लोगों ने रोडों की हालत देखी, जो रोडें सिर्फ समाजवादी सरकार में ही बनी थी वो आज वैसी की वैसी है। बीजेपी सरकार सिर्फ उन पर गड्ढा भरने का काम कर रही है और गड्ढा भी सही से नहीं भर पा रही है। ये कार्यक्रम हमारा 2 तक चलेगा, इसीलिए समाजवादी पार्टी सिर्फ इस समय यही काम कर रही है कि छात्रों को जोड़ के युवाओं तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाह रही है कि 22 में बाइसाइकिल आनी है।